दोस्तों आपको हम बताने जा रहे हैं आज कि डायबिटीज के मरीजों के अंदर कभी कभी ब्लड में सीरम पोटेशियम नाम का एक टेस्ट होता है, वो हाई होता है। तो सीरम पोटेशियम एक सॉल्ट होता है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के अंदर इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर ये सीरम पोटेशियम नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से 5.5 के अंदर है तो शरीर के लिए फायदेमंद है। अगर किसी वजह से सीरम पोटेशियम बढ़ जाए तो ये नुकसानदायक है। सीरम पोटेशियम के बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं ये पहले बताएंगे और कारण क्या है इसके बाद बताएंगे। तो जब भी ब्लड में सीरम पोटेशियम बढ़ता है तो मरीज को थकान आता है, सीने में भारीपन आता है, जीभ मिथली उल्टी लगती है, उसके हाथ पांव में चीटी चलना, नमनेस फील होना होता है। इसके साथ साथ जब पोटेशियम और बढ़ जाता है तो हार्ट की जो मूवमेंट है, जो पल्पिटेशंस है, हार्ट की धड़कन इरेगुलर हो जाती है और पोटेशियम बहुत ज़्यादा 6-7 हो जाएगा तो कभी कभी हार्ट को अरेस्ट का खतरा भी होता है। इसलिए अगर ब्लड में सीरम पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो ये सीरियस इशू है, अपने डॉक्टर से अर्जेंट कंसल्ट करें कि मेरा पोटेशियम बढ़ा, क्या करूँ, क्यों हो रहा है। अब बताइए सीरम पोटेशियम बढ़ता क्यों है? तो सीरम पोटेशियम बढ़ने मेन दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि किसी का किडनी में कोई खराबी आ जाए। हमारे ब्लड के अंदर जो भी खाने में पोटेशियम होता है, मेनली पोटेशियम किस में पाया जाता है, जो हमारे नींबू में, संतरा में, मौसमी में, कोकोनट वाटर में या फलों में भी, कई फलों में ज़्यादा आपका पोटेशियम होता है। तो जब खाने पोटेशियम जो भी खाते हैं एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा पोटेशियम को किडनी थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देती है और किडनी फंक्शन डाउन होगा और किडनी पर शुगर असर आ जाएगा। अगर पेशेंट का यूरिया बढ़ाए, क्रिएटिनिन बढ़ाए, यूरिन में प्रोटीन लीक कर रहा है, इसका मतलब उसका किडनी पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोग के अंदर जो भी मरीज खाना में पोटेशियम खाएगा वह बॉडी में एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा और ब्लड में पोटेशियम बढ़ जाएगा जो बॉडी के हार्ट को एंड अदर अंगों को नुकसान पहुँचाएगा। तो पहला कारण होगा किडनी में खराबी आना। सेकेंड कारण होता है दवाओं की वजह से। तो कई ब्लड प्रेशर कम की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं जो दवा ब्लड प्रेशर कम करने काम आती हैं, लाइक एसी इनहिबिटर्स लाइक रेमिप्रिल, इसके बाद लिसनोप्रिल, एनालाप्रिल, ये ड्रग्स होती हैं, प्लस अदर ड्रग्स होती हैं लाइक लोसार्टन, लोसाकार, लोसार, ऑलमिसार्टन, टेलमिसार्टन, टैजलॉग, टेलमा, ऑलमिसार्टन, ऑलसार, ऑलमिसार, एजिसाल, असर टैबलेट, एजिसार्टन होती, कई टैबलेट आती हैं जो कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ाती है। जब पोटेशियम ब्लड बढ़ता है तो ये बॉडी के डिफरेंट अंगों को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आपको पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो जो बोला मैंने कि संतरा, मौसमी, नींबू खाना बंद कर दिए, फलों का सेवन भी कम करें, फलों में पोटेशियम बहुत होता है। इसके जो पैक्ड फूड्स होते हैं, पैक्ड फूड होते जो मिलते हैं मार्केट में, उसमें पोटेशियम बहुत होता है। प्लस आप एक होता है लोना सॉल्ट जिसमें सोडियम का पोटेशियम ज़्यादा, उसका यूज ना करें। इसके साथ साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर में जो दवा हमें बोला कि जो पोटेशियम बढ़ाते हैं वो ले रहे हैं, तो उन दवाओं को जल्दी बंद कर दें। जहाँ बंद करेंगे विद इन 7 डेज आपका पोटेशियम नॉर्मल हो जाएगा और सारा असर खत्म हो जाएगा। अगर किडनी में प्रॉब्लम के पोटेशियम बढ़ रहा तो कुछ दवा आती है जो पोटेशियम को कम करती है, लाइक देयर कॉल्ड पोटेशियम बाइंडर, वो दवा देते हैं जो ब्लड पोटेशियम कम करके आपको पोटेशियम लेवल नॉर्मल कर देती हैं। तो आई होप वीडियो नॉलेज मिला होगा कि पोटेशियम बढ़ना कितना चिंताजनक है। अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो अर्जेंट डॉक्टर मिलकर इसको आप इनको रिपोर्ट करें और इसको करेक्ट कराएं। तो आई होप वीडियो नॉलेज मिला होगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।